आपको खबर दिखा रहे हैं मोहाली से, जहां आज वाटर सप्लाई बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति और ताजपोशी करने पहुंची महारानी परमीत कौर और की पत्रकारों से बातचीत। आइए देखते हैं रितेश कुमार की रिपोर्ट। देखो इन्ना दा देना है, आज दूजे क्वेश्चन तुसी 100 बारी पूछ लेंगे, 100 बारी आओ। मैं आज आई है महंत खनोड़ा जी, जिन्होंने 40 साल तो ऊपर कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। आज देर तो हुई है, दुरुस्त होया कि महंत जी आज साढ़े चेयरमैन बने ने। तुसी खुशी सारे संगत की चेहरा से देख रहे हो, तो मैनू बहुत खुशी हुई कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जिन्हें सारी उम्र कांग्रेस की सेवा की है उसनू ये अहुदा मिलया। और मैनू पूरा विश्वास है कि ये इन्हों का परिवार पार्टी की सेवा दे विच वधिया रोल निभा। होर गल्लां च असी हो गए। मैं CM साहब नूं बधाई देना चाहती हैं कि कल जो किसानां नाल बैठ के किसानां दे शुगर केन प्राइस दा इन्होंने काम किया, बहुत वधिया किया है। और ये जारी करता कि पहले दिन तो CM पंजाब दी कांग्रेस एक एक नागरिक पंजाब दा असी किसानां दे नाल पहले दिन तो हैगे हैं सीगे रहांगे अगे तक। तो उन्होंने हक की जी कल गल की है वो लिए मैं अपने तौर तो CM साहब न और उन्होंने साथियों बहुत बहुत बधाई देती है सारे पंजाब में। जिस तरह पार्टी में जो आज 4.5 साल के बाद पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे पहले पूछ लो कि 4.5 साल खुश थे जो काटे उन्होंने, ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल CM ने दिखाया इनको उससे कुछ सीखना चाहिए। और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है, अब 6 साल पार्टी के लिए एकता दिखा के काम कर रहा है। कहा जा रहा था कि CM साहब के साथ ही रहते थे, CM साहब के जो देखो ये टाइम नहीं है कि हम भी उस लेवल पर आकर ऐसे बातचीत करें, ये गलत है। मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अब पार्टी की बेहतरी सोच के जो अगला रास्ता है वो निकालो। पर कह रहे मुख्यमंत्री जी बदल दो, कह रहे मुख्यमंत्री जी बदल दो। देखो जो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उसके ऊपर मैं ना उनको रोक सकते ना अभी वो हरीश रावत से आवाज तो हाई कमांड, इसका फैसला मैं नहीं कर सकती, इसका फैसला हाई कमांड करेंगे और हाई कमांड के ऊपर आप रहने दो, देखते हैं क्या बन। जो इंदिरा जी के ऊपर बोले हैं वो एडवाइजर हरीश एडवाइजर बोले हैं। मैं तो इतना कहना चाह रही हूँ कि जो एडवाइजर है पता नहीं कहाँ से आए। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये पार्टी के प्रधान हैं, तो पार्टी प्रति इनको ऐसे चुनने चाहिए जो पार्टी के पार्टी में से आए हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, पर ये अब हाईकमान डिसाइड करेगी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है ना मैं इसके ऊपर कुछ और बोलना चाहती हूँ। मैं उसकी सख्त निंदा करती हूँ। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हरीश रावत कंसीडर्ड हैं, व्हाट हैपेंड 4.5 इयर्स नाउ ऑल ऑफ सडन वॉइसेस इज अगेंस्ट पंजाब CM। दो महीने में ऐसा क्या हो गया? सॉरी एवरीथिंग वाज ओके। वो ये दैट इज व्हाट आई सेड, फॉर 4.5 इयर्स इट वाज ओके, but now it is for the high command to take note and see what is actually on the ground and do what is best for the party. Abhi Sidhu responsible for all this, of course he is, if they are his, he is the one who started, it's his advisors. I just said ke the CM showed great maturity, great largeness of heart. Once the decision had been taken by the high command, Sidhu was coming, CM said, yes, it's the Congress president's decision, I abide by it. So they should also fall into line. This is not a time to rake up all these things. You rake them up at the party platform,
and go ahead. We want a united Congress to fight the election. That's all I'm saying. That is not up to them. That is up to the high command. You please ask the questions there. It's not for me. CM has done his best. He has led the party to many victories. He has done whatever the high command asked. He fought against Jetli and won. He brought Punjab on the map. He has done good work for Punjab in spite of the pandemic, in spite of all the monetary concerns. He has taken Punjab on a road to progress in every constituency. 20-point agenda. Ma'am, for this Rakesh is responsible. I'm not saying anybody is responsible. I do not want to comment at this stage to make anything. I want that they should understand this is election year. Time has passed. Now the time is to look to the future and to work towards that. Do you think there should be action against the advisors? That the high command will take. I am nobody to say anything in that. That is the decision of the party. Madam, वो भारत आ रहे हैं क्या सीएए कानून इधर देखिए मैडम इधर नागरिकता संशोधन कानून सीएए क्या उसकी जरूरत अब नहीं है मैम देखो दिस व्हेन दे आर इमिग्रेंट्स यहाँ रेफ्यूजीज आते हैं उनका एक स्पेशल स्टेटस होता है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये मांग की है कि उनकी हिफाजत होनी चाहिए उनको इंटीग्रेट करना चाहिए ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और बहुत दुख हुआ जो वहाँ हुआ आस थी कि तालिबान इतनी जल्दी में नहीं आएगा पर आ गए अब मेन कंसर्न पहला कंसर्न है कि हम अपने जो वहाँ से हमारे इंडियन सेटल्ड वहाँ थे वो आ रहे हैं उनकी हिफाजत के साथ उनको लेके आए उनको देखभाल कर थैंक यू।